21,196 किलोमीटर की लंबाई, जिसकी पहुंच पश्चिम में बर्फीले रेगिस्तान तक है, तो ये येलो सी पर जाकर खत्म होता है। इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना इतना लंबा है कि अगर कोई इंसान इसे पैदल चलकर पार करना चाहे तो उसे 18 महीने का समय लग सकता है। ये एक मिलिट्री मास्टरपीस है जो हजारों लड़ाइयों की गवाही देता है। अगर आपने अंदाजा लगा लिया है कि बात किसकी हो रही है, तो आपकी जनरल नॉलेज की तारीफ करनी होगी। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जिसे बनाने में लगभग 2000 साल लगे। आज infinitystream.tv की ये डॉक्यूमेंट्री आपको चाइना की सैर करवाएगी और खुलेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जुड़े इतिहास के पन्ने, क्योंकि इसके सीने में ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे लोकल लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, ये चाइना जाने वालों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। कैपिटल सिटी बीजिंग से यहाँ पहुँचना सबसे आसान है। लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करके आप इस स्टोन ड्रैगन की सवारी करने पहुँच जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, जो कई सदियों से चीन के लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर चुकी है। इसका ज्यादातर हिस्सा मिंग डायनेस्टी ने बनवाया था। अपने इतिहास में इसका सबसे बड़ा पर्पस था नॉर्थ से होने वाले रेगुलर अटैक्स से चाइना को बचाना। साथ ही ये बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के भी काम आया। पर आज मॉडर्न ईरा में ये चाइना का नेशनल सिंबल बन गया है और चाइनीज टूरिज्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी। पर बहुत ही इनिशियल लेवल पर इस दीवार के बनने की कुछ और ही वजह थी। चाइनीज हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर के जो जानकार होते हैं, उन्हें साइनोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ही एक साइनोलॉजिस्ट कॉल ऑगस्टा विटपोगेल की माने तो चाइना के शानशी प्रोविंस में लोइस नाम की एक रेतीली मिट्टी मिलती है। इसी मिट्टी ने चाइनीज लोगों के लिए सिंचाई से खेती करने का काम आसान बनाया था। यही वजह थी कि लोग येलो रिवर घाटी की तलहटी तक पहुंच गए। पर लार्ज स्केल पर खेती के लिए बड़े लेबर फोर्स की भी जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्व होना जरूरी था। अब खेती से जो फसल निकल रही थी उसे मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आगे आए और उन्होंने फसलों को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस बनवाए। पर इनकी हिफाजत जरूरी थी, इसलिए जहाँ कहीं अनाज भंडार या ग्रेनरीज होते उसके आसपास शहर बसने लगे और उन्हें दीवारों से घिरवाया जाने लगा। इन दीवारों का फायदा ये हुआ कि आक्रमणकारी यानी कि इन्वेडर्स अनाजों को लूट नहीं पाते और लोगों की सुरक्षा भी पुख्ता होने लगी। इस तरह अलग अलग जो शहर अस्तित्व में आए थे वो एकजुट हुए और अपना एक राजा चुनकर एक पावरफुल एम्पायर खड़ा कर लिया। जैसे जैसे इन एम्पायर्स की संख्या बढ़ने लगी, चाइना का बॉर्डर एरिया डिफाइन होने लगा और दीवारों की बढ़ती लंबाई धीरे धीरे शहरों की घेराबंदी करने लगी। इसका ब्रॉडर पिक्चर ये निकला कि चाइनीज एम्पायर को उत्तर दिशा से होने वाले हमलों से मिली एक ठोस सुरक्षा प्रणाली। आखिर इन दीवारों को बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों, इसका रूट कॉज समझना जरूरी है। चलिए पता करते हैं। दरअसल रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना की ज्योग्राफी को देखें तो यहाँ हजारों किलोमीटर एरिया में फैले बड़े बड़े घास के मैदान मौजूद हैं। इन्हें स्टेपी कहते हैं। खानाबदोश चरवाहे इन घास के मैदानों में अपने हजारों जानवरों के साथ घूमते रहते हैं। अगर इंटरनल एशिया के इस स्टेपी खानाबदोशों की बात करें तो यहाँ का वेदर रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ये डेवलपमेंट के चाइनीज मॉडल से एकदम अलग था। ये खानाबदोश चरवाहे सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल नहीं जीते थे, तो इन्हें चाइनीज लोगों की सिविलाइज्ड सोसाइटी कुछ खास पसंद भी नहीं आई। स्टेपी के इन खानाबदोशों की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई, वो अपने लिए जरूरत का सामान, अनाज, औजार और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने वाली चीजों को हासिल करने के लिए दूसरी सिविलाइज्ड सोसाइटी पर डिपेंडेंट थे। ये खानाबदोश अक्सर चाइना की सिविलाइज्ड सोसाइटीज को अपना निशाना बनाते। जब कोई राज्य उनसे व्यापार के लिए मना कर देता तो ये उस पर हमला कर देते। इस तरह उत्तर में मंगोलिया, उत्तर पूर्व में मंचूरिया और उत्तर पश्चिम में जिनजियांग में रहने वाले खानाबदोशों ने चीन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पर चीन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण मंगोलिया ही रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में चीन के कट्टर विरोधी जातियां
जियो नागनू, जियान बेई, खितान और मंगोल रहते थे। मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान का लगभग 2/3 हिस्सा आता है और इसी के चलते मंगोलिया उत्तरी और दक्षिणी चारागाह भूमि में बट गया और खाना बदोश जातियों ने स्टेपी जनजातियों वाला लाइफस्टाइल अपना लिया। इस तरह दक्षिण में मौजूद जातियों ने भी अपना रुख चीन की ओर कर लिया। तब ये मोटी मोटी दीवारें ही नॉर्दर्न चाइना के लिए बनी और उनका सबसे कारगर सेफ गार्ड। इन दीवारों को बनवाने की शुरुआत चाइना के पहले एम्परर चीन शी हुआंग ने की थी। सदियां गुजरती रही और आने वाले एम्परर्स और डायनेस्टीज ने इन दीवारों की लंबाई भी बढ़ाई और इन्हें किले की तरह मजबूत भी बनाया। यकीन करना मुश्किल है कि ये दीवारें सदियों से सीना ताने कैसे खड़ी हुई हैं। तो इसकी वजह है बहुत ही मजबूत क्ले ब्रिक्स से बना इनका स्ट्रक्चर, जिसमें करोड़ों ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। इन दीवारों की एवरेज हाइट 23 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इनमें होल्स बने हुए हैं, जिनसे सिपाही दुश्मनों पर तीर बरसाया करते थे। यही वजह थी कि इन दीवारों की चढ़ाई कर पाना नामुमकिन सा लगता था। यही नहीं, इन दीवारों की निगरानी के लिए इनमें वॉच टावर्स भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में ऐसे लगभग 25,000 वॉच टावर्स हैं। सदियों तक ये दीवारें चाइना के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनी रही, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि चाइनीज एम्परर्स ने इतनी बड़ी दीवार पहली बार बनवाई हो। इस आइकॉनिक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पहले भी ऐसी दीवारें बनी थी जो मिट्टी की थी और उनमें ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ब्रिक वॉल बनने से 1500 साल पहले दीवारें बनाने का काम हुआ था। ब्रिटिश ऑथर, गाइड और रनर विलियम लिंजी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक्सपर्ट हिस्टोरियन हैं। इन्होंने द ग्रेट वॉल नाम से किताब भी लिखी है। इन्होंने इन दीवारों पर हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा की है। इस दीवार की सच्चाई का पता लगाने में खुद को डेडिकेट कर दिया है। वो बताते हैं कि चाइना के नॉर्थ में एक लंबा बॉर्डर मंगोलिया से लगा हुआ है। मंगोलिया को नोमैडिक लैंड भी कहते हैं, यानी खाना बदोशों का देश। चाइना की जमीन फर्टाइल है, वहाँ अच्छी उपज होती है और लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन नॉर्थ साइड का एरिया उतना फर्टाइल नहीं है। फसलों को उगाने का सीजन भी छोटा होता है, तो लोग ज्यादा कुछ उगा भी नहीं पाते क्योंकि मौसम सूखा रहता और फसलें ज्यादा टिक नहीं पाती। तो इन नॉमेड पीपल्स को सर्वाइवल चैलेंजेस आते। तब नॉर्थ में रहने वाले ये खाना बदोश घुड़सवारी करते और चाइना की ओर निकल पड़ते। चाइना से उन चीजों को लाया जाता जो मंगोलिया की ओर पैदा नहीं होते थे। ये मंगोल निडर थे और अक्सर ही चाइना के बॉर्डर्स को पार कर जाते। ये चाइनीज लोगों के लिए सिरदर्द बन गए थे। साथ ही इन मंगोलों से चाइना के सिल्क रूट को भी खतरा था। यहीं से द ग्रेट वॉल बनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि बीजिंग से ग्रेट वॉल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मंगोलियन इन्वेडर्स के हाथों अटैक्स का खतरा बना रहता था। 1550 में कुछ ऐसा ही हुआ था। मंगोलों ने चाइना पर धावा बोल दिया। मंगोलियन आर्मी किले जैसी इस दीवार को पार कर गई और बीजिंग के साथ साथ चाइना के कंट्री साइट्स में बहुत तबाही मचाई। इस हमले से तब के चाइनीज एम्परर्स खौफ में जीने को मजबूर थे। सवाल था कि आखिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फेल कैसे हुआ। तब चाइना पर मिंग डायनेस्टी की हुकूमत थी और चाइनीज एम्परर जिया जिंग ने ग्रेट वॉल को अपग्रेड करने का फरमान जारी किया। यहीं से ये दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शक्ल लेने लगी। अब ये मैटर इतना सीरियस हो चुका था कि चाइना की सिक्योरिटी रिस्क पर थी। पूरे चाइना और सिल्क रूट को सिक्योर करना जरूरी था। यहाँ से आपको इस जाइगेंटिक मॉन्यूमेंट का इनर स्ट्रक्चर पता लगेगा। दरअसल लाखों टन सॉलिड स्टोन्स और ब्रिक्स से बनी इन दीवारों की गहराई में नींव के तौर पर ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगे हुए हैं। दीवारों की आउटर बॉडी को चिकनी ईंटों से बनाया गया है ताकि इनकी चढ़ाई एक मुश्किल काम बन जाए। दीवारों के ऊपर आपको रेलिंग भी दिखती है जो सैनिकों के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। इस दीवार पर जब आप चलते हैं तो आपके कदमों के नीचे जो अपर लेयर है उसके नीचे भी पत्थर बिछाए गए हैं। 13,000 किलोमीटर लंबी ये दीवार ऐसी दिखती है मानो जमीन पर कोई सांप रेंग रहा हो। इन्हें इतना मजबूत बनाया गया है कि ये सदियों से टिकी हुई है। सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करने वाले इस जायंट स्ट्रक्चर को बनाने में जिस इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हुआ वो काबिले तारीफ है।
तो इतनी सदी पहले चाइना के पास ऐसी इंजीनियरिंग आई कहां से? बिल्डिंग कंजर्वेशन एक्सपर्ट कॉलिन रिचर्ड्स के पास इसका जवाब है। एक्चुअली हमारे और आपके घरों में जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उनके मुकाबले ग्रेट वॉल में लगी ईंटें 4 गुना बड़ी हैं। ऐसे में ये हैवी वेट की तो बनती है पर इनका जोड़ भी तगड़ा बनता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में लगी ईंटों को भी भट्टियों में जलाया जाता था जिससे इनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि एक साथ हजारों लोगों को इस काम पर लगाया जाता था ताकि दीवार को जल्द से जल्द तैयार कर दिया जाए। ईंटों को जलाने के लिए देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कारीगर काम पर लगे थे। ईंट भट्टों में लगी आग को परफेक्टली कंट्रोल किया जाता ताकि मजबूत ईंटें निकले। इस तरह दीवार बनाने के काम को नॉनस्टॉप जारी रखा गया। ईंटों को जलाने की भट्टी कुछ इस तरीके से बनाई जाती कि आग से निकलने वाली गर्म हवा ईंटों से होकर एक चिमनी से बाहर निकल जाती। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि ईंटें जल्दी गर्म ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईंटों में मौजूद पानी बहुत जल्दी भाप बनकर निकल जाता और ईंटें टूट जाती। ऐसा होना किसी एक्सप्लोजन से कम नहीं होता। इस तरह भट्टे से हजारों ईंटें निकलती और द ग्रेट वॉल का कंस्ट्रक्शन चलता रहता। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था क्योंकि ये ग्रेट वॉल बहुत सी पहाड़ियों से भी होकर गुजरी है, जहां तक ईंट पत्थर पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी, मैन पावर। जी हाँ, चाइनीज एम्प्लॉयर्स इस हाईली एक्सपेंसिबल प्रोजेक्ट के लिए पैसा बहाए जा रहे हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग दीवार बनाने में अपना खून पसीना बहा रहे थे। ईंट भट्टों में 43 डिग्री टेम्परेचर में काम करना जितना मुश्किल था उससे भी ज्यादा मुश्किल था सर्दियों में पहाड़ियों पर ईंटों को पहुंचाना। ढेर सारी जाने गई लेकिन ये काम चलता रहा। लगभग 4 लाख लोग मारे गए। तो आखिर कौन थे ये लोग? इसका जवाब हमें ग्रेट वॉल की प्री हिस्टोरिक ईरा में मिलेगा। द ग्रेट वॉल बनने का दौर चुनक्यू पीरियड में शुरू हुआ था, जब छोटी छोटी फ्यूडल स्टेट्स यानी सामंती राज्य अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी दीवारें बनवा रहे थे। डॉक्यूमेंट्री में थोड़ी देर पहले जिन खाना बदोश हमलावरों का जिक्र हुआ है उन्हीं से खुद को बचाने के लिए दीवारों को बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। 221 BCE यानी बिफोर द क्रिश्चियन ईरा में इन छोटे छोटे राज्यों को एक बड़े एम्पायर में इकट्ठा किया था चाइनीज एम्परर चिन शी हुआंग ने। चाइना की सिक्योरिटी के लिए एक और था पैसिफिक ओशियन और दूसरी तरफ था तिब्बतियन प्लेटू, पर नॉर्थ में बसी पहाड़ियों को पार करके चाइना पर हमला करना पॉसिबल था। इन्हीं पहाड़ियों को पार करके मंगोल, तुर्किश और शुंगनू जाति के लोग चाइना इन्वेड करने चले आते थे। तब चिनशी हुआंग ने अपने पूर्वजों की बनाई दीवारों का दायरा बढ़ाने की सोची। जो छोटी दीवारें थी उन्हें जोड़ा गया और नॉर्थ में जहां दीवारें नहीं थी वहां एक्सपेंशन का काम आगे बढ़ाया गया। पूरे नॉर्दर्न साइड को कवर करने के लिए ये दीवार वेस्ट में लिंथाओ से लेकर ईस्ट में लिया ओदोंग तक फैला हुआ है। इसे कलेक्टिवली नाम दिया गया था द लॉन्ग वॉल। इस काम को पूरा करने के लिए राजा ने सोल्जर्स और आम लोगों को काम में लगवाया। इनमें बहुत से लोगों को जबरदस्ती भी काम पर भेजा गया, जिनमें सजा काट रहे मुजरिम भी शामिल थे। चीन डायनेस्टी के दौरान हजारों मजदूर काम पर लगे हुए थे। लेकिन इस दीवार ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हान डायनेस्टी के शासन काल में। इस राजवंश के राजाओं को दुन हुआंग से बुहाई सागर तक द लॉन्ग वॉल को 5,955 किलोमीटर लंबा कर दिया। ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हान डायनेस्टी के राजाओं ने फोर्स्ड लेबर से काम लिया। ये वो दौर था जब फोर्स्ड लेबर पर जुल्म और अत्याचार की सारी हदें पार हो गई। प्राचीन कविताओं और लेखों से पता चलता है कि मारे गए मजदूरों को दीवार के पास ही बड़े बड़े कब्र बनाकर दफना दिया जाता। यहां तक कि उनके कंकाल भी दीवार को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, पर दीवारों के अवशेषों में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि बहुत सारे मजदूर भुखमरी, एक्सीडेंट्स और थकान से मारे गए। द लॉन्ग वॉल को जीतना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान और उसके बेटे कुबलाई खान की मंगोल सेना ने ये साबित कर दिखाया। इसके बाद 1368 में जब चाइना पर मिंग डायनेस्टी का कब्जा हुआ
तो लोकल मजदूरों से ईंट और पत्थर लेकर दीवार का दायरा और बढ़वा दिया गया। जब भी कोई बाहरी सेना चीन पर धावा बोलने आती तो जगह जगह पर बनाए गए वॉच टावर्स पर मौजूद सैनिक आग लगाकर सिग्नल पास करती। इससे तुरंत ही मदद भेज दी जाती। दीवारों में बने छोटे छोटे होल से दुश्मनों पर तीर छोड़े जाते और बड़े छेदों से पत्थर गिरा दिए जाते। अगर आपने राजस्थान में जयगढ़ का किला देखा है तो वहां की दीवारों में भी ऐसे छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। लेकिन मिंग डायनेस्टी का बनाया गया द लॉन्ग वॉल का ये इम्प्रूव्ड वर्जन भी चीन की सुरक्षा नहीं कर पाया। 1644 में उत्तर से आए मांचू कबीले के लड़ाकों ने तख्ता पलट कर दिया। मिंग डायनेस्टी ने घुटने टेक दिए और चीन पर चिंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। इस बार चाइनीज एम्पायर में मंगोलिया को भी शामिल कर लिया गया। इस वजह से सदियों से बन रही चीन की ये महान दीवार किसी काम की नहीं रही। ये दूसरी बार था कि चाइना पर उन लोगों ने राज किया जिन्हें दूर रखने के लिए द लॉन्ग वॉल बना था। क्योंकि अब ये दीवार पर्पस लेस हो गई थी तो इसकी देखभाल को नजरअंदाज कर दिया गया। जगह जगह से दीवार कमजोर पड़ने लगी। इसमें लगी ईंटों को घर बनाने और दूसरे कामों में लिया जाने लगा। लेकिन इसका इस्तेमाल एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर टू में देखने को मिला। जापानीज आर्मी को रोकने के लिए ये काम तो आया ही। कहा यह भी जाता है कि चाइनीज आर्मी अपने सोल्जर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग भी देती थी। लेकिन मॉडर्न डे में इसका कल्चरल पर्पस दिखता है। ये दुनिया का सबसे लंबा मैनमेड स्ट्रक्चर है और इसे 1987 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार कर लिया गया। जो दीवार कभी इन्वेडर्स को चीन से बाहर रखने के काम आई, आज वही लाखों टूरिस्ट को चाइना बुलाती है। हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस दीवार को देखने आते हैं। इस वजह से ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। टूरिस्ट की इतनी बड़ी आबादी को हर साल होस्ट करने से इस दीवार को नुकसान भी पहुंचता है। इसी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट इसे बचाने की कोशिश भी करती है। हर साल इसके कोई ना कोई नए हिस्से की तलाश भी होती है। यही वजह है कि ये ना सिर्फ एक घूमने की जगह है बल्कि यहाँ विलियम लिंडजी जैसे लोग भी सालों से रहते आ रहे हैं, जो इस दीवार के छिपे राज खोजने में खुद को डेडिकेट कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री में थोड़ी देर पहले दुन हुआंग का जिक्र आया था। हान डायनेस्टी ने गोबी रेगिस्तान में आने वाली इस जगह से लेकर बोहाई सागर तक इस दीवार का विस्तार करवाया था। विलियम लिंडजी ने दुन हुआंग जाकर इस दीवार के कुछ हिस्से ढूंढ निकाले। वो हिस्सा वक्त की मार झेल चुका है। मैनलैंड चाइना में जो द ग्रेट वॉल है वो ऐसा नहीं है। दुन हुआंग में बनी दीवार में 6 लेयर्स दिखते हैं जिनमें लकड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ है। जगह जगह से गायब हो चुकी इसकी हालिया सूरत किसी प्रोटेक्शन वॉल जैसी तो नहीं दिखती। हो सकता है कि ये सिल्क रूट के लिए कोई मार्किंग वॉल हो। इसके बाद विलियम सिल्क रूट के एंशियंट शहर जायू गुआन को जाते हैं। वहां से इस दीवार का बेस्ट व्यू मिलता है पैराग्लाइडिंग से। यहाँ एक जॉइंट कैसल दिखता है जिसे शायद इस दीवार की रखवाली के लिए बनाया गया था। इसे 1539 में मिंग एम्परर जा जिंग ने बनवाया था। जायू गुआन का मतलब होता है बैरियर टू द प्लीजेंट वैली। प्लीजेंट वैली डिस्क्राइब करता है चाइना को। जायू गुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मिंग डायनेस्टी ने इसके उत्तर में दीवारें बनवाई थी। वहां भी एक विशाल किला मौजूद है जिसे हिमालयन फुटहिल्स में बनाया गया था। इसका मकसद भी था नॉर्थ से आने वाले इन्वेडर्स को रोकना। यहाँ भी दीवारों के जो बचे खुचे हिस्से मौजूद हैं, वो ब्रिक्स के बदले मिट्टी से बने हुए हैं, फिर भी इतने चौड़े हैं कि इन पर चला जा सकता है। इन दीवारों के आसपास जो भी बस्तियां मौजूद हैं, वहाँ रहने वाले किसान भी आज उसी तरीके से दीवार बनाते हैं जैसा मिंग डायनेस्टी में बनाए जाते थे। मिट्टी की एक परत डालकर उसे भारी चीजों से दबाया जाता है, फिर एक और लेयर, और इस तरह प्रोसेस को दोहराया जाता है। चीन में सदियों पुरानी परंपरा रही है, चाहे किसी का घर हो, कोई कंपाउंड, गांव या एक पूरा साम्राज्य, वो चारों ओर से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। लेकिन येलो रिवर क्रॉस करके भी चाइना पर अटैक का खतरा बना रहा, इसलिए वहां भी दीवार और आउटपोस्ट के अवशेष दिखाई देते हैं। पर मिंग डायनेस्टी ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बारबेरियनस नॉर्दर्न बीजिंग में मौजूद माउंटेन रेंज क्रॉस करके राजधानी पर हमला कर सकते हैं। पर ऐसा हुआ
और 1550 में हुए हमलों से बीजिंग की जनता 3 दिनों तक दहशत में रही। इन नोमैडिक बारबेरियंस को ट्रेडिंग राइट्स चाहिए थे। उन्हें एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिजनेस राइट्स दे दिए गए। तब तक मिंग डायनेस्टी को इतना वक्त मिल गया कि उन्होंने बीजिंग के नॉर्थ साइड में 1200 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी करवा दी। 1550 से 1644 के बीच बना द ग्रेट वॉल या स्टोन ड्रैगन का यही हिस्सा आज सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। जब भी कोई मॉन्यूमेंट बनता है तो उसकी दीवारों में स्टोन एनग्रेविंग करके उसके बारे में कुछ जानकारी चिपका दी जाती है। ऐसी ही एक स्टोन एनग्रेविंग से विलियम लिंडजी को पता चला कि 1579 के ऑटम सीजन में 250 यार्ड्स यानी लगभग 230 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 1100 फैमिलीज को काम पर लगाया गया था। हर फैमिली से 4 लोग यानी लगभग 4,500 लोग। जहां तक बात थी ईंटों को पहाड़ियों पर ले जाने की, तो लोग अपनी पीठ पर ईंट ले जाते, साथ ही बकरियों के झुंड पर भी ईंटें लाद दी जाती। पहाड़ियों पर बनी ये दीवारें कहीं कहीं इतनी वीरान है कि चाइनीज एम्पायर की रखवाली में लगे सैनिकों के लिए भी यहाँ पर रहकर ड्यूटी देना काफी चैलेंजिंग रहा होगा। ऐसी जगहों पर टूरिस्ट भी नहीं आया करते। विलियम लिंडजी को अपनी जर्नी में एक ऐसे इंसान भी मिले जिनके एंसेस्टर्स ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया था। वो बताते हैं कि वॉच टावर्स में मौजूद सैनिकों को आसपास के गांव वाले खाने की चीजें दे जाया करते। सन 1644 आते आते द ग्रेट वॉल का काम पूरा हो गया। लेकिन ये कोई एक सिंगल ग्रेट वॉल नहीं है। जहां जहां जरूरत पड़ी पहाड़ियों से लेकर समंदर तक दीवार बनाई गई। इन दीवारों ने तब चाइना को सुरक्षित तो बनाया, पर फाइनेंशियली मिंग डायनेस्टी को इतना लॉस हुआ कि मिंग राजशाही ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। लेकिन इससे पहले शान ही गुआन ही इकलौती ऐसी जगह बची थी जहां मिंग डायनेस्टी की सबसे मजबूत पकड़ थी। लेकिन मांचू लड़ाकों ने शान ही गुआन के किले को घेर लिया था। उनको रोकना नामुमकिन था, इसलिए शान ही गुआन के आर्मी जनरल वू शांगुई ने मांचू लड़ाकों को बीजिंग पर कब्जा करने दिया। 80,000 मांचू लड़ाकों के बीजिंग पर कब्जा करते ही चीन पर मिंग डायनेस्टी की हुकूमत खत्म हो गई। इन मांचू लड़ाकों ने चिंग साम्राज्य की स्थापना की और 1921 तक इनकी हुकूमत चली। द ग्रेट वॉल आज इतिहास की गवाही देने के लिए खड़े हैं। कुछ तो इस इंतजार में भी हैं कि विलियम लिंडजी जैसे लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे और तब उनकी कहानी दुनिया को सुनाई जाएगी, पर कब कोई नहीं जानता। तो इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर खत्म होती है। इसका फीडबैक आप infinitystream.tv को जरूर दीजिएगा, ताकि ऐसी ढेरों यूनिक डॉक्यूमेंट्रीज लाने के लिए हमारा मोटिवेशन का स्तर हमेशा हाई रहे। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।